सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो मेरी इस वीडियो को देखने से पहले इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं यार अपनी वीडियो की तरफ। तो अब हम बात करते हैं आज के दूसरे मैच की, जो कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला गया। तो इंग्लैंड इस मैच का टॉस जीत कर पहले बॉलिंग करने का फैसला करता है। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम 49.3 ओवर्स में 286 रन का टोटल बना लेती है और पूरी टीम आउट हो जाती है। तो इंग्लैंड की तरफ से क्रिस फोक्स 4 विकेट हासिल करते हैं, आदिल रशीद 2 और मार्क वुड भी 2 विकेट हासिल करते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मार्नुस लेबुश ने 71 रन स्कोर करते हैं 83 बॉल्स पर। इसके साथ ही इंग्लैंड की तरफ से डेविड मलान 50 रन स्कोर करते हैं, जबकि बेन स्टोक्स भी एक अच्छी इनिंग्स खेलते हैं और 64 रन स्कोर करते हैं 90 बॉल्स पर। लेकिन इंग्लैंड ने टारगेट चेस करने में कामयाब नहीं रहता है और सिर्फ 253 रन स्कोर करके पूरी टीम आउट हो जाती है 48.1 ओवर्स में। तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एडम जम्पा 3 विकेट हासिल करते हैं 10 ओवर्स में 21 रन देकर। तो ऑस्ट्रेलिया ये मैच 33 रन से जीत जाती है। तो अगर हम बात करें प्लेयर ऑफ द मैच की, तो प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिलता है एडम जम्पा को, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग करते हैं और ऑलराउंड परफॉर्मेंस देते हैं। 3 विकेटें बॉलिंग में हासिल करते हैं, जबकि बैटिंग में 19 बॉलों पर 29 रन स्कोर करते हैं। तो इसके साथ ही अब हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो इसके साथ ही अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।